आरबी न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को आरके सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आरबी न्यूज चैनल में कुछ तकनीकी खराबी होने के वजह से कुछ दिन बाद इस पर खबर प्रसारित किया जाएगा, अतः आप लोगों से सादर अनुरोध है कि आप लोग आरबी न्यूज ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर से आप लोग रूबरू हो सके। आप लोगों ने जो प्यार सम्मान और दुलार दिया है आरबी न्यूज चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के पीरो प्रखंड के खननी गांव में पुलिस और प्रशासन के बीच हुई झड़प को लेकर पूर्व विधायक भाई दिनेश सिंह जगदीशपुर भोजपुर ने खननी गांव में आकर पीड़ितों से मिले और पुलिस अधीक्षक से निर्दोष पब्लिक पर जुल्म अत्याचार उचित नहीं है, इसकी घोर निंदा करते हुए घटना कैसे घटी, इसका दोषी कौन है, निष्पक्ष जाँच की मांग की। पुलिस अधीक्षक भोजपुर अग्याव थाना के खननी गांव में जो सूचना हमको मिला कि पुलिस और पब्लिक में झड़प हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि पुलिस घायल है, चौकीदार घायल है, थाना प्रभारी घायल है, कोई भी अगर पुलिस पर हमला करता है उसका मैं घोर निंदा करता हूं। लेकिन हमने जिस इसकी जानकारी मिलते ही खननी गांव हमने आया, यहाँ के महिला पुरुष सभी लोगों ने बताने का काम किया कि सबसे पहले जो पुलिस खननी गांव में आई है उस सबसे पहले जो यहाँ क्रिकेट लोग खेल रहा था, यहाँ के लड़के, उसको पकड़ने का काम किया, उस पर लाठी चार्ज करने का काम किया। इसके बाद उस जो क्रिकेट लड़का लोग खेल रहा था उन लोगों के द्वारा भी पुलिस पर हमला किया गया। इसके बाद जो भी घटना घटा इसका मैं घोर निंदा करता हूं। लेकिन पुलिस जिस तरीके से यहां के महिला पुरुष नौजवान बच्चा को मारने का काम किया है, यह अंग्रेजी जुल्म का जो हकीकत है वह दिखाने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वयं खननी गांव आकर के और निष्पक्ष जांच करें, अगर कोई दोषी है तो उसको अब जेल भेजने का काम करें। अभी जो जानकारी मिला, एक जो लड़का गया है वह मीट खरीदने गया था मुस्टोली में, चमटोली में, और वहां पर उसको पुलिस ने पकड़ने का काम किया। ओम प्रकाश जी जो सब गांव के परिवार है उनके मां को मारने का काम किया। कई महिलाएं हमारे पास खड़ी है जिन्होंने लाठी से पुलिस ने मारने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं इस घटना की आप समुचित निष्पक्ष जांच करावे और किसी भी हालत में कोई भी जो निर्दोष है उसको पुलिस पकड़ने का काम नहीं करे, उस पर हमला करने का काम नहीं करे, और जो अग्याव थाना प्रभारी हैं उनको सभी लोगों ने शिकायत करने का काम किया है, उनकी भी आप उनकी कार्य शैली का आप जांच करें। और मैं चाहता हूं कि इसके बाद अगर पुलिस किसी तरह खननी गांव पर गलत लोगों को पकड़ने का, जो उसमें झगड़ा में नहीं है, और उस पर अगर निर्दोष लोगों को पकड़ने का काम करेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम ग्रामीणों के साथ आपके ऑफिस में आने का काम करेंगे।